दो हाथ कई लोगों के नहीं हैं, दे आर हैंडलेस, उनके हैंड्स है ही नहीं, वो कभी खुजा नहीं सकते हैं, कंघा नहीं कर सकते हैं, चेहरा साफ नहीं कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते हैं, कपड़े खुद से नहीं पहन सकते हैं, जूते नहीं पहन सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, फोन रिंग नहीं कर सकते हैं, हाथ में स्मार्टफोन नहीं पकड़ सकते हैं, सेल्फी ऐसे नहीं ले सकते हैं, हाथ नहीं है उनके, मेरे आपके है कि नहीं है। जब हम किसी को देखते हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो इमीडिएटली वी रीच कंक्लूजन, अरे क्या टैलेंटेड बंदा है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जो हाथ से बहुत अच्छा काम करता है, जो पैर से बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ जो है हाथ से क्या क्या जबरदस्त काम करते हैं, गिनीज रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाता है, तो सीधा पहला स्टेटमेंट हमारे मुंह से क्या निकलता है, हम कहते हैं कि अरे क्या टैलेंटेड बंदा है, खुदादाद सलाहियत है इसमें, ये गॉड गिफ्टेड है। तो मैं ऐसे जो सोच रखते हैं, मैं ज़रूर कहता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन फिर मैं एक सवाल करता हूँ ऐसे सोचने वालों को कि क्या जो दो हाथ आपके हैं ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, इज इट नॉट ए गिफ्ट, दो आंख आपके जो है क्या वो गिफ्ट नहीं है गॉड के, तो फिर अपने आप को गॉड गिफ्टेड क्यों नहीं बोलते हो, आप उन्हीं को क्यों बोलते हो जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपको भी तो अल्लाह ने दो आंख दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, एक दिमाग दिया है, अगर वो ना होता तो दुनिया आपको पागल की सर्टिफिकेट देती, दीवाने की सर्टिफिकेट देती, मजनू आपको कहती, लेकिन आप तो है नहीं ना, आप पागल नहीं है, दीवाने नहीं है आप, आपके पास दिमाग है, काम करता है, विजडम है आपके पास में, फिर आप गॉड गिफ्ट क्यों नहीं मानते हो अपने आप को, उन्हीं को क्यों मानते हो, दोज़ हु डू वंडर्स, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू डोंट हैव गोल इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में एक गोल नहीं है, एक टारगेट नहीं है आपके पास में, आप अचीव करना ही नहीं चाहते हैं, जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं आप, चैलेंजेस से लड़ना नहीं चाहते हैं, मुकाबला नहीं करना चाहते हैं आप, मुश्किलात जितनी भी जिंदगी में आपकी आती है ना, वो आपको तबाह नहीं, आपको हेल्प करने आती हैं, रियलाइज करवाने आती हैं, उजागर करने आती हैं कि आप में वो हुनर है, जाग जाओ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऑल द पावर इज विद इन यू, वो आप ही में है, दूसरों में मत तलाशो, गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, ही इज ए ब्लेस्ड इंडिविजुअल, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप हर चीज कर सकते हो। इसका मतलब कुछ नेगेटिव भी निकालते हैं लोग, हम क्या चांद को जमीन पर ले आ सकते हैं, वो बेवकूफ लोग होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपेसिटी होती है एक, उस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं, अगर एक इंसान ने किया है तो हजार इंसान भी कर सकते हैं, भले वक्त लगता होगा लेकिन आप जरूर कर सकते हैं, आप भी ब्लेस्ड हो, आपको भी अल्लाह चाहता है, इसीलिए अल्लाह ने इंसान बनाया है, वरना आपको भी चूहा बनाता, मुझे भी बिल्ली बनाता, कुछ भी जानवर अल्लाह ने बनाता, मच्छर हम बनते, क्या हम अल्लाह से लड़ते, क्यों बनाया मच्छर करके, मच्छर भी जी रहे हैं, कुत्ते भी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट बनाया है, यू ऑल आर ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स, आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, गिफ्टेड हैं आप लोग, ये बात को अच्छे से समझ जाए, यू आर गॉड गिफ्टेड, आपको बहुत गिफ्ट दिए हैं आपके गॉड ने, दो खूबसूरत आंख दिए हैं जिससे आप देख सकते हो, कई लोगों की जिंदगी डार्क है, अल्लाह ने इसलिए उनको नाबीना बनाया है, उनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं, दुनिया वालों को लेसन देने के लिए, चाहता मैं तुझे भी ऐसे ही बनाता, लेकिन मैंने तुझे नाबीना ब्लाइंड नहीं बनाया, मैंने तुझे दो आंख दिए हैं, तूने क्या सीखा है उन आंखों से, क्या पढ़ा है, दो हाथ कई लोगों के नहीं हैं, दे आर हैंडलेस, उनके हैंड्स है ही नहीं, वो कभी खुजा नहीं सकते हैं, कंघा नहीं कर सकते हैं, चेहरा साफ नहीं कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते हैं, कपड़े खुद से नहीं पहन सकते हैं, जूते नहीं पहन सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, फोन रिंग नहीं कर सकते हैं, हाथ में स्मार्टफोन नहीं पकड़ सकते हैं, सेल्फी ऐसे नहीं ले सकते हैं, हाथ नहीं है उनके, मेरे आपके है कि नहीं है, आर वी नॉट ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स, इज इट नॉट ए गिफ्ट, कई लोग घुटनों के बल चलते हैं जिनके फीट नहीं है, कितनी तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारते हैं, जिनके पैर ही नहीं है, मैं और आप हम लोग चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, सेकेंड फ्लोर पर ये हॉल है, चलते हुए आए कि नहीं आप स्टेप्स, तो अल्लाह ने आपको पैर दिए हैं, क्या ये गिफ्ट नहीं है, कई लोगों के किडनीज में इन्फेक्शन आकर परेशान है, आपके सेफ है या नहीं है, गिफ्ट नहीं है ये,
यू ऑल आर ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स। तो दूसरों में हम लोग झांकना छोड़ दें, अपने आप को ब्लेस्ड माने पहले, अल्लाह के गिफ्ट समझे आप अपने आप को, फिर जो एबिलिटीज ने अल्लाह ने नवाजा है इंसानों को गजब करने के, वंडर्स करने के एबिलिटीज अल्लाह ने हम में रखा है, अफसोस हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने एबिलिटीज को दुनिया को दिखा नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर कह रहे हैं बिलीव इन दैट, उस पर यकीन रखो। फिर कह रहे हैं डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए। पूरे दुनिया वालों को कह रहे हैं अपने कोट के जरिए से कि डोंट रिगार्ड यूर सेल्फ वीक, अपने आप को कमतर मत समझो। फिर कह रहे हैं कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। अब डिविनिटी तो डिवाइन से आता है, इसका मतलब जो गॉड का पावर है वो दिखाओ नहीं है। गॉड ने जो एबिलिटीज से नवाजा है आपको वो आप में है, द बेस्ट क्रिएशन हो आप, वो दिखाइए, एक्सप्रेस कीजिए, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। आप में जो डिवाइन एबिलिटीज अल्लाह ने डाले हैं ना, जो ब्लेसिंग्स आप में हैं, इतने तमाम मखलूक में आपको जो स्पेशल बनाया गया, अशरफुल मखलूकात में से आप हैं, वो टैलेंट दिखाओ दुनिया वालों को, एक्सप्रेस कीजिए। जो सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, ऑब्जर्व करने की सलाहियत, परफॉर्म करने की जो सलाहियत होती है ना इंसानों में, उसमें मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि आप लोग 1% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया है। यानी अल्लाह ने आपको $100 दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने $1 भी इस्तेमाल नहीं किया है। 1 तो मैं कह रहा हूँ बहुत है। लोग तो कहते हैं कि आइंस्टीन 3% भी इस्तेमाल नहीं किया है ब्रेन, तो क्या आप लोग 1% किए हैं? 0 पॉइंट में भी नहीं आते हैं। तो इस मैसेज को समझ जाइए कि पावर, टैलेंट, एबिलिटी, कैपेसिटी ये आप लोगों में हैं।